एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिस्ट के हिसाब से देर आर अबाउट 10 मिलियन कलर्स एंड नो डाउट हर एक कलर का कोई ना कोई अपना मीनिंग होता ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुल 10 मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट यूज्ड कलर के बारे में सबके बारे में बताऊंगा कि कौन सा कलर क्या डिटरमाइन और क्या कैरेक्टराइज करता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 10 येलो। येलो कलर सारे कलर्स में से सबसे ज़्यादा ब्राइट और ल्यूमिनस दिखने वाला कलर है। इसके साथ ही येलो कलर ऑप्टिमिज्म, एनर्जी, जॉय, हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप के अलावा भी काफ़ी सारे अनेक चीज़ों को डिटरमाइन करता है। नंबर 9 रेड। रेड कलर लाइफ, हेल्थ, वार, करेज, एंगर, लव और रिलीजियस फर्वर को भी डिटरमाइन करता है। रेड कलर में एक खासियत भी है, एक तरफ हम देखें तो रेड कलर हम ब्लड यानी कोई मर जाता है तो भी यूज़ करते हैं, और दूसरी तरफ अगर इसके पॉजिटिव साइन के लिए देखें तो रेड कलर को हम हर्ट यानी लव को शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नंबर 8 ऑरेंज। आप जानते होंगे कि ऑरेंज कलर येलो और रेड का कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ ही ऑरेंज कलर एनर्जेटिक कलर के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। ऑरेंज कलर डिटरमाइन करता है एक्साइटमेंट, एंथुसिएज्म और वार्मथ को। नंबर 7 ग्रीन। ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसके साथ ही ग्रीन कलर डिटरमाइन करता है स्प्रिंग टाइम, फ्रेशनेस, होप, और ये सिंबलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है जैसे कि रीबर्थ, रिन्यूअल और इमॉर्टलिटी। नंबर 6 ब्लू। ब्लू कलर बोथ स्काई और सी को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही ब्लू कलर ओपन स्पेसेस, फ्रीडम, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, इंस्पिरेशन और सेंसिटिविटी को भी डिटरमाइन करता है। नंबर 5 वाइट। वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी और इनोसेंस को। वाइट कलर के कुछ पॉजिटिव मीनिंग्स में इंक्लूडेड है क्लीनलीनेस, फ्रेशनेस एंड सिंप्लिसिटी। इसके साथ ही वाइट कलर एक ब्लैंक स्टेट की तरह भी दिखता है। नंबर 4 ब्लैक। कलर साइकोलॉजी के हिसाब से ब्लैक कलर सिंबलाइज करता है मिस्ट्री, पावर, एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन को। इसके साथ ही ब्लैक कलर कुछ इमोशंस को भी इवोक करता है जैसे कि सैडनेस एंड एंगर। नंबर 3 पिंक। पिंक कलर एसोसिएटेड है लव, काइंडनेस और फेमिनिटी से। पिंक कलर को एक गर्ली कलर भी कहा जाता है। नंबर 2 पर्पल। पर्पल कलर एसोसिएटेड है रॉयलिटी, नोबिलिटी, लग्जरी, पावर और एम्बिशन से। इसके साथ ही पर्पल कलर कुछ मीनिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है जैसे कि वेल्थ, क्रिएटिविटी, डिवोशन, पीस और मैजिक को। नंबर 1 गोल्ड। गोल्ड कलर एक ऐसा कलर है जिसे येलो एंड ब्राउन का कजन कहा जाता है। गोल्डन कलर एसोसिएटेड है लव, कंपैशन, करेज, पैशन और विजडम से। आप जानते ही होंगे कि गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेटल है जो कि एसोसिएटेड है वेल्थ, स्पार्कल, ग्लैमर और प्रॉस्पेरिटी से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।